मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी, इसमें इस पेपर में है जिसमें हम टेरिडोफाइटा में सिलेजनेला के बारे में पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हमने इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था, और सिलेजनेला के स्पोरोफाइट के बारे में जिसमें स्पोर कैसे बनते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और ये जो स्पोर है बीजाणु, ये दो तरह के बीजाणु सिलेजनेला में पाए जाते हैं, और जिसमें दो तरह के बीजाणु इनके इनसे बनने वाले थैलस भी दो तरह के होते हैं, और ये भी दो डायमॉर्फिक हैं, दो तरह के हैं, साइज में भी इनमें डिफरेंस पाया जाता है। इसमें स्मॉल माइक्रोस्पोर और जो बड़े साइज के हैं उनको मेगास्पोर या गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु एंड गुरु बीजाणु, दो तरह के बीजाणु पाए जाते हैं, और ये एक स्पोरेंजियम में बनते हैं। स्पोरेंजियम बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं, लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी में बनते हैं, और ये जो बीजाणु धानी है ये एक पत्ती के इसके एक्सियल पोजीशन पर ये लगे हुए होते हैं, और ये जो बीजाणु धानी है इनकी एक्सियल पोजीशन पर ये लगे हुए हैं, और दोनों जो स्पोरोफिल हैं वो एक एपिक्स जो स्टेम के जो एपिक्स हैं वहाँ पर ये सब स्पोरोफिल एक साथ बंच बनाती हैं, और एक साथ इकट्ठी लीव्स एक बंच जो स्ट्रक्चर है उससे स्ट्रोबिलस कहा जाता है। यदि ये सारी स्पोरोफिल मिलके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं तो ये कौन भी हो सकता है, अगर ये लूज हैं तो इसे हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो ये दो तरह की स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल जिस पर माइक्रोस्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरोफिल जिस पर मेगा स्पोरेंजिया, ये दोनों एक साथ हो सकती हैं या ये अलग अलग, ये दोनों पत्तियां एक साथ होती हैं, लेकिन इनकी पोजीशन किस तरह से होती है वो अलग अलग स्पीशीज़ में अलग होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रूपेस्ट्रिस में इसके अंदर मेगा स्पोरेंजियम बेस में नीचे स्थित होता है, इसके नीचे स्ट्रोबिलस में, और माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट रहते हैं। और इसी तरह से क्रूसियाना में केवल एक ही बेस पर इसमें पाया जाता है, बाकी सभी माइक्रोस्पोरेंजिया ही होते हैं। और दूसरे एग्जांपल में जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरोफिल एक तरफ है और मेगा स्पोरेंजियम सेकेंड दूसरी साइड में है, तो ये सिलेजनेला इन एक्विलेस में ये कंडीशन पाई जाती है। दो तरह के स्पोर यानी कि दो तरह के गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, और ये इनमें हम मेल गैमेटोफाइट बनेगा लघु बीजाणु से और फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा गुरु बीजाणु से, यानी कि उनके अंदर सेक्स का जो विभेदन है वो इनके स्पोर्स के थ्रू ही डिवाइड हो जाता है कि कौन सा गैमेटोफाइट किससे बनेगा। और इनमें जनरली जो बीजाणुधानी है उनकी बनने की जो प्रक्रिया है वो गुरु बीजाणुधानी में और लघु बीजाणुधानी में सिमिलर है, और इनका जो डेवलपमेंट है बीजाणुधानी का जिसमें एक साथ एक या एक से ज़्यादा सेल्स एक साथ डिवाइड होकर बीजाणुधानी बनाती है उस कंडीशन को हम कहते हैं यू स्पोरेंजियल टाइप। और इसके विपरीत अगर एक ही सेल से सारी बीजाणुधानी का निर्माण हो जाता है तो वो लेप्टोस्पोरेंजियट कहलाती है, लेकिन सिलेजनेला के अंदर यू स्पोरेंजियट कंडीशन देखने को मिलती है। स्पोरेंजियम का बीजाणुधानी का जो निर्माण है वो कैसे होता है इसके अंदर, वो दोनों का सिमिलर है, और फर्दर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं जिसमें उनका नंबर जो है वो अलग हो सकता है। तो इनिशियली स्पोरेंजियल सेल्स जिससे निर्माण हो रहा है उसमें ट्रांसफ़र डिवीज़न होगा,
और इसमें आउटर और इनर थैलस, सुपरफिशियल सेल और स्पोरोफिल, जहाँ से स्पोरेंजिया डेवलप होने वाला है। तो फर्स्ट डिवीज़न स्पोरेंजियल इनिशियल से फर्स्ट ट्रांसफर डिवीज़न होगा, जिससे नीचे की ओर आर्ची स्पोरियल सेल कट हो रही है, अपर सेल वॉल सेल बन रही है। और ये जो नीचे वाली सेल है, इनके अंदर एक आर्ची स्पोरियल टिश्यू से यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होगा, और इसकी सबसे बाहरी जो लेयर है वो टैपिटम बनाएगी, न्यूट्रिटिव लेयर बनाएगी, जबकि बाहर की प्राइमरी वॉल लेयर है उससे टू लेयर्ड वॉल का फॉर्मेशन होगा। और ये दोनों में ही सिमिलर स्टेजेस देखने को मिलती है, और इनके भित्तियों में जो आउटर लेयर है वो एज ए यहाँ पर थिकनिंग पाई जाती है इनके वॉल के रेडियल वॉल पर, और ये एज ए एनुलस की तरह ही काम करती हैं, जिससे कि स्फुटन के समय ये वहाँ पर जहाँ पर थिकनिंग कम है तो वहाँ पे स्पोर में एक स्पोरेंजियम में एक पोर बन जाता है। तो टू लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल और इनर मोस्ट और स्पोरोजिनस की जो वॉल होती है वो एक न्यूट्रिटिव टैपिटम वॉल बनाती है। अब यहाँ पर माइक्रोस्पोर के अंदर जनरली जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उनसे सब करीब 80-90% सेल्स में मियोसिस होगा, और ये जो सेल है एक दूसरे से सेपरेट होकर इनमें मियोसिस अर्धगुणसूत्री विभाजन होकर इनमें टेट्राहेड्रल कंडीशन में चार स्पोर एक मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं। तो स्पोर बनते समय अर्धगुणसूत्री विभाजन या मियोसिस होगा, जिससे हैप्लोइड स्पोर बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोर में करीब 80-90% सेल्स स्पोरोजिनस की कन्वर्ट कर देती है स्पोर के फॉर्मेशन में, जबकि मेगा स्पोर में इनका नंबर बहुत ही कम होता है और ये सभी बाकी की जो सेल्स हैं करीब डीजनरेट हो जाती हैं, एक फ्रूट बनाती हैं, और बाकी एक सिंगल जो सेल है वो डिवाइड होकर उसके अंदर स्पोर में मियोसिस होगा, जिससे कि फोर हैप्लोइड गुरु बीजाणु बनेंगे, और ये यहाँ पर ये सारे दूसरे जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उनके अंदर कोई भी डिवीज़न नहीं हुआ। अब ये जो स्पोर्स हैं इनमें ये बहुत समय तक ये स्पोरेंजियम में बने ही रहते हैं, और जिससे कि इनमें डिवीज़न स्टार्ट नहीं हो जाता है कुछ समय तक। और इनके साइज़ में दोनों के माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के साइज़ में बहुत डिफरेंस होता है। माइक्रोस्पोर 0.015 और 0.06 मिलीमीटर इन डायमीटर में होते हैं, और ये येलो रेड ब्राउन कलर के हैं, और न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस के साथ में जीव द्रव्य दानेदार हैं, और इनमें एंटाइन और एक्जाइन से जीव द्रव्य कवर किए हुए रहता है। बाहर की जो लेयर है वो एक्जाइन, और बाहर की अंदर की जो लेयर है वो एंटाइन होती है, और ये अंकुरित होके नर या युग्मकोभित या मेल गैमेटोफाइट देते हैं। और मेगास्पोर लार्जर है कंपैरेटिवली, करीब 0.15-0.6 मिलीमीटर के इनका साइज़ और कुछ सेंटीमीटर भी हो सकता है, और ये वाइट ऑरेंज और येलो कलर के हैं, और इसमें भी जीव द्रव्य जो है वो एक न्यूक्लियस के साथ में और दानेदार होता है। और इनके कुछ स्पीशीज़ में थ्री लेयर्स पाई जाती है, एक्जाइन बाहर की बजाय एक्जोस्पोर, मीजोस्पोर और एंडोस्पोर, और ये अंकुरित होके फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोभित देते हैं।